आर्मी पैरालंपिक स्पोर्ट नोट पुणे में सर। हाँ सुमन जी, सुनाई दे रहा है अब तो। आर्मी पैरालंपिक स्पोर्ट नोट में ट्रेनिंग कर रहा हूँ सर, बॉम्बे इंजीनियरिंग सेंटर। सुमन जी, आप सेना की बॉक्सिंग टीम के सदस्य थे सर और आपके साथ जो दुर्घटना हुई, आप देश की सेवा में लगे हुए थे और लैंडमाइन के कारण आपका पैर गया, ये बहुत बड़ा हादसा था, लेकिन आपने हार नहीं मानी, आप पक्के फौजी निकले। जब आपने अपना खेल बदला, यानी आप बॉक्सिंग से आपको पैर नहीं था तो आपने अपना खेल बदला, तब आपके मन में क्या चल रहा था? निराशा नहीं आई, हताश नहीं हुए, भीतर का जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो और उजागर हुआ? ये बड़े बड़े इंस्पायरिंग बातें हैं आपकी, तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा। उसमें यही सिखाया जाता है, मतलब हार नहीं मानना है। इसी की बदौलत मैं पहले बॉक्सिंग में था, उसके बाद में कैजुअल्टी हुआ। 10 साल पहले गेम मेरे को पता नहीं था, बाद में ये गेम होता है पता चल गया। उसके बाद में मैं 2017 में आर्मी पैरालंपिक नोट पुणे में आ गया, उसके बाद में ये गेम स्टार्ट किया सर। अभी पूरा कॉन्फिडेंस है आपको? सुमन जी, मुझे फौज के और लोगों से किसी ने बताया कि आप बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। इतना बड़ा संकट आया, फौज में रहते हो जहां गर्माहट बहुत स्वभाव में रहती है, आप इतने शांत कैसे हैं? आप अपने मन को कितना संतुलित कैसे कर पाते हैं? नहीं, आर्मी ट्रेनिंग में हम लोग को सिखाया जाता है, ट्रेनिंग पूरा करना है, शांत स्वभाव से करना है, मेल मिलाप से करना है, ये सिखा जाता है। उसकी बदौलत में मतलब जो ट्रेनिंग का याद आ जाता है, हाँ हमने, हमारा उस्ताद ने ये सिखाया था, किसी से गुस्सा नहीं करना, सभी के मिल से मिलजुल के जाना है। इसी बदौलत में मतलब अपना आपको मतलब कंट्रोल करता हूँ जितना हो सके। चलिए सुमन जी, आप इस बात का जीवंत उदाहरण है कि अब जीवन में एक संकट आता है तो दूसरे दरवाजा खुल भी जाता है। आप अपने परिश्रम से हर बार विजेता बने हैं। आपका व्यक्तित्व इस बात का भी प्रमाण है कि भारतीय सेना का असर किसी भी व्यक्ति के जीवन पर क्या होता है। और मैं देख रहा हूं कि आप हर क्रेडिट सेना को दे रहे हैं। आप फाइटर हैं और विनर भी हैं। हम सभी को पता है कि आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने ही वाले हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।